डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोगों ने उसका डेफिनेशन भी दिखाया था कि किसको एल्डिहाइड कहते हैं और किसको कीटोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पिछले दिन हम लोग किए थे एल्डिहाइड से संबंधित आयुपेशी नाम। ठीक है, तो एल्डिहाइड से संबंधित आयुपेशी नाम हम लोग अभी करने वाले हैं। पिछले दिन हम लोग सभी रूल्स को लिख लिए थे। चलिए आइए आज हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिखा रहा है, CH3CHO। ठीक है, तो जब CH3CHO है तो हम लोग इसका सीखे थे कि पहला रूल था कि कोई भी अगर एल्डिहाइड वाला अगर रहेगा हमें, तो सबसे पहले कार्बन चेन चुनेंगे, PC चुनेंगे, और PC चुनते वक्त ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन वाला कार्बन को शामिल करके यहाँ पे PC चुनेंगे हम लोग। ठीक है, ये PC चुन लिए। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग उधर से ही करना है दोस्तों, जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ेगा। तो यहाँ है इसका PC का दो छोर हुआ, एक छोर यहाँ हुआ और एक छोर यहाँ हुआ, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? अगर यहाँ से करेंगे तो 1, 2 पर ऑक्सीजन पड़ेगा, क्योंकि यह CHO है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पर ऑक्सीजन पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़ें कि सबसे पहले एल्डिहाइड वाले में उधर से ही नंबरिंग करते हैं जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ता है। तो इधर से हम लोग नंबरिंग कर दिए 1 और 2। ठीक है, अब इसका हम लोग नंबरिंग कर दिए तो कितना कार्बन का चैन बना? 2 कार्बन का चैन बना। तो 2 कार्बन का चैन हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा एथेन। ठीक है, एथेन हुआ और इसमें अल जोड़ देंगे, तो एथेन में अल जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो गया? एथेनल। क्योंकि हम लोग पिछले दिन पढ़े थे रूल्स में एल्डिहाइड के आयुपीएसी नाम के रूल्स में कि जब भी कभी भी एल्डिहाइड का अगर नामकरण करते हैं तो उसके आयुपीएसी के अंत में क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं? अल। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका 2 कार्बन का चैन हो गया तो ये हो गया एथेनल। फिर दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, CH3CH2CHO। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम क्या सीखे हैं, हम यही सीखे हैं कि सबसे पहले PC चुनना होगा और PC चुनते वक्त ध्यान रखना होगा। हम लोग क्या सीखे कि PC जो होता है वो कार्बन का चैन होता है, तो कार्बन का चैन में तो PC चुनेंगे ही, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन वाले कार्बन को शामिल करके PC चुनेंगे। तो ऑक्सीजन वाले कार्बन को PC चुन लिया, ये कार्बन है, ऑक्सीजन वाला कार्बन ये है, इसको भी हम लोग PC में शामिल कर लिए। अब नंबरिंग के बारे में ज़रा ध्यान देना है कि नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नज़दीक पड़ रहा है इस कार्बन पे, ये हो गया 1, 2, 3। अब ये कितना कार्बन का PC हुआ? 3 कार्बन का। तो 3 पे क्या आता है? प्रोपेन। क्या आता है? प्रोपेन। और प्रोपेन में अगर अल जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्योंकि अल जोड़ा जाता है सफिक्स के रूप में, तो यहाँ पे 3 कार्बन हुआ तो प्रोपेन हुआ, तो ये हो गया प्रोपेनल। ठीक है, तो इसका आयुपीएसी नाम हो गया प्रोपेनल। चलिए तीसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लिया कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए, CH3CH2CH2CHO। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग PC चुनेंगे, रूल बोलता है ना PC चुनने के लिए, तो PC चुनने के लिए आपको ऑक्सीजन वाला कार्बन को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन वाले कार्बन को हम लोग यहाँ पे सम्मिलित कर दिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन वाले कार्बन को सम्मिलित कर लिए, अब इसको नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट साइड की राइट साइड? तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये दोनों छोर से हम लोग नंबरिंग करेंगे इधर से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इधर 1 नंबर पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे 1, दैट इज़ 2, 3 एंड 4।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक नंबर पे पड़ रहा था, इसीलिए हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट किए। तो 1 2 3 4 ये हम लोगों का सीरीज में दिखाई देने लगा। अब यहाँ पे हम लोगों को अब पीसी में कितना चैन है, तो 1 2 3 4 चैन है, प्रिंसिपल चैन में 4 चैन है। और 4 पे क्या आता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट आता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटे नल, ब्यूटेन में अल जुड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटे नल। ठीक है, जरा देखते हैं नंबर 4, 4 वाले कार्बन चौथे एग्जाम्पल को लेकर। अगर मान लिया CH3 CH F, ठीक है, यहाँ F है, फिर यहाँ CH, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CHO है। ठीक है, हम क्या बोले हैं कि इस कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन वाला कार्बन को लेकर एक चैन चुनना है। हम एक चैन चुनेंगे, देख पा रहे होंगे, एक चैन चुन दिए। ठीक है, अब इस चैन में दो छोर है, एक छोर ये है और एक छोर ये है। अब ये दोनों ही छोर से नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से ऑक्सीजन नज़दीक पड़ेगा, तो ऑक्सीजन इधर से नज़दीक पड़ रहा है एक नंबर से, तो इसको नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे अब इसका देख पा रहे होंगे कि इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्टिचुएंट का नाम लिखेंगे, ये सब सब्टिचुएंट के रूप में है, तो 2 पे क्या है, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। फिर 3 पे क्या है, फ्लोरो, तो इसका हो जाएगा 3 फ्लोरो। ठीक है, अब कितना कार्बन का चयन है, तो 4 कार्बन का चयन, तो 4 पे क्या आता है, ब्यूट, तो यहाँ पे ब्यूटेन में अल जोड़ेंगे, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन नल, ब्यूटेन में अल जोड़ देंगे तो ब्यूटेनल। तो उस तरीके से हम लोग इसका नामकरण IUPAC नामकरण करेंगे। फिर देख पा रहे होंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नंबरिंग करेंगे ज़रा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, CH3, ठीक है, CHO। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब भी हम लोग नाम करेंगे, तो नाम लिखते वक्त आपको कुछ रूल्स नियम को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे ऑक्सीजन वाले कार्बन को लेकर एक PC चुनना है, तो ऑक्सीजन वाला कार्बन ये है, अब इसको PC लेकर चुनना है सबसे लंबा चैन, तो आप सीधा भी चुन सकते हैं, क्योंकि सीधा में भी तो 3 ही कार्बन होगा, आप ऐसा भी चुन सकते हैं, तो जैसी इच्छा है, मेरी इच्छा ऐसी है तो हम ऐसे भी चुन सकते हैं, हालांकि इधर में कोई किधर से भी चुन सकते हैं। अब इसका दो छोर, एक छोर ऊपर से है और एक छोर इधर से आ सकता है, किधर से नंबरिंग करेंगे भाई, तो इधर से, क्योंकि ऑक्सीजन नज़दीक पड़ रहा है, तो 1 2 3। सबसे पहले अदर सब्टिचुएंट, तो अब ये काम कर रहा है सब्टिचुएंट के रूप में, तो CH3 का नाम होता है मेथिल, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो यह हो जाएगा 2 मेथिल। अब कितना कार्बन का चैन है, चैन में कितना कार्बन है, तो 1 2 3, तो 3 पे आता है प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट छठा एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लिया CH3 CH3 CH OH CH2 CHO। ठीक है, अब रहा बात कि हमको ऑक्सीजन वाले कार्बन को लेकर PC चुनना होता है, तो ऑक्सीजन वाला कार्बन तो ये है, टोटल कार्बन का पहले PC चुन लीजिए, हम PC चुन लिए कार्बन को लेकर। ठीक है, अब किधर से नंबरिंग करेंगे, तो सिंपल है यार, हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 पे ऑक्सीजन पड़ रहा है, ठीक है, का ऑक्सीजन वाला कार्बन यही है ना, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब सबसे पहले सब्टिचुएंट, तो ये एक सब्टिचुएंट है ना, और हम आपको बताए होंगे कि अगर सब्टिचुएंट के रूप में अगर OH रहता है, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी, तो 3 पे क्या हुआ, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी
इसका नाम क्या होगा, थ्री हाइड्रोक्सी, थ्री पे क्या होगा हाइड्रोक्सी, और कितना कार्बन का चैन है, चार कार्बन का चैन, तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, क्योंकि एक दो तीन चार कार्बन का चैन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, चार पे ब्यूट आता है तो ब्यूटेनल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग नामकरण करते हैं। तो चलिए जैसे मान लिया कि और कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद ट्राई करेंगे, जैसे ये एक क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके लिए, तो लिखा जाए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन CH3 CH2 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 CHO, ठीक है, इसका नामकरण कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH OH CH AT, मतलब अनस्टेटाइन हो, देखिए इस CH से AT जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे CHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, देख पा रहूँगा ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3 CH2 CH CH3 CH CH2H5 CH2 CH2 CHO, देख पा रहे होंगे ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। अगर मान लिया और भी कुछ एग्जांपल के तौर पे हम बता देते हैं क्वेश्चन, ये चार क्वेश्चन सिर्फ आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप खुद IUPAC नाम लिखेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ इस तरीके से आया, जैसे सी है और इसी सी से इधर भी CL जुड़ा हुआ है, इधर भी CL जुड़ा हुआ है, इधर भी CL जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CHO है, तब हम लोग इसको नाम कैसे करेंगे। तो सिंपल है, आप आराम से देखिए, तो दो कार्बन का चैन बनेगा कि नहीं, ऑक्सीजन वाले कार्बन से लेकर दो कार्बन का चैन बनेगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो ऑक्सीजन से लेकर यहाँ जो ऑक्सीजन वाला कार्बन होता है वहाँ से, तो ये वन और ये टू, ठीक है। अब टू पे ही तीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, टू पे कितना क्लोरीन, तीन क्लोरीन, तो इसीलिए इसका जो नाम है वो रिपीट कर देते हैं तीन बार, कैसे, तो टू टू टू, क्यों टू 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 तीन बार किए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दो वाला पे दूसरे कार्बन पे क्लोरीन तीन बार आया हुआ है, टू पे क्लोरीन, टू पे क्लोरीन, टू पे क्लोरीन, और जब टू 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 कितनी बार आया, तीन बार आया, तो तीन बार के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई, ट्राई, ठीक है। और क्या आया है यहाँ पे, क्लोरो ना, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या है, क्लोरो, तो टू 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 ट्राई क्लोरो, और कितने कार्बन का चैन है भाई, दो कार्बन का चैन, तो दो कार्बन में क्या आता है, मैथ एथ, एथ ही आता है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल, एथेनल, तो इसका हो गया टू 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 ट्राई क्लोरो एथेनल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर अगर बढ़े तो अगर ऐसा आ सकता है, जैसे ABLDHYDE की श्रेणी में, अच्छा से देखिएगा, जैसे बेंजीन रिंग रहेगा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है CHO, यहाँ पे क्या है NH2, ठीक है, यहाँ पे क्या है ऐसे, ठीक है। तो अब अगर सवाल बोलेगा कि इस तरीके से एल्डिहाइड अगर रहेगा तो आपको IUPAC नाम लिखना है, तो दोस्तों अगर इस तरीके से अगर IUPAC नाम लिखने के लिए आएगा, हमेशा नंबरिंग किधर से करेंगे,
तो हमेशा तो ऑक्सीजन वाले कार्बन से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग में इस कार्बन से करते हैं। और इधर सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम लोग जो नंबरिंग करते हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें दो पे क्या जुड़ रहा है, तो NH2 का नाम देख लीजिए, अगर हम लोगों का छूट गया होगा, जैसे OH का लिखे है ना हाइड्रोक्सील, CH3 का लिखे है ना मेथिल, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे छूट गया है। आप वहाँ रूल में जोड़ दीजिए कि NH2 रहेगा ना, तो इसका नाम हो जाता है अमीनो। क्या नाम हो जाता है? अमीनो। तो यहाँ पे 2 पे क्या है? अमीनो। तो इसका नाम हो जाएगा 2-अमीनो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब 2 पे अमीनो, तो ये अमीनो का तो नाम लिख दिए, अब ये पूरा बेंजीन बन रहा है, बेंजीन के साथ CH जुड़ा रहेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे बेंजल डिहाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो चैन नहीं ना है, यहाँ पे तो एक रिंग बन रहा है, बेंजीन रिंग बन रहा है, इसलिए यहाँ पे बेंजल डिहाइड बोलते हैं। 2 पे क्या है? अमीनो। अमीनो का मतलब NH2, बिल्कुल याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस इस दोनों से रिलेटेड हम देते हैं, तो ये तो पहले होमवर्क्स में नोट किए होंगे आप। चलिए और भी क्वेश्चन को नोट किया जाए, जैसे मान लिया क्वेश्चन, इस पर आपको जो है ना बेंजीन रिंग दिया जा रहा है, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ना आपको CHO है, यहाँ पे ना आपको OH है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे CHO है, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, इसका भी आपको नाम लिखना है। सिंपल है यार, आप नंबरिंग कर दो और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो, और सिर्फ इतना को लेकर बेंजल डिहाइड लिख देना, क्योंकि हम बेंजल डिहाइड किसके लिए लिखे हैं, सिर्फ 2-अमीनो जो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और बाकी पूरा के लिए हमेशा इस स्थिति में बेंजल डिहाइड लिख देते हैं बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन CH2 CHO फ्लोरिन, ठीक है, इस तरीके से नाम रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से यहाँ जुड़ा हुआ है CHO, और यहाँ पे जुड़ा है फ्लोरीन, यहाँ पे जुड़ा है क्लोरीन, यहाँ पे जुड़ा है C2H5, यहाँ पे जुड़ा है AT, तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COH फ्लोरीन क्लोरीन CH2 CHO। दोस्त ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, जरा इधर देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है, और इधर 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, CH3 CH OH CH C2H5 CH CH3 CH2 CHO, ठीक है, CHO। देखिए एल्डिहाइड का मतलब होता है क्या, एल्डिहाइड का मतलब सीखे हैं कार्बोनिल मूलक के साथ एक हाइड्रोजन और एक पूरा कार्बन का चैन, ठीक है, एक पूरा कार्बन का चैन होना चाहिए और एक पूरा का पूरा हम लोगों का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों को एल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ IUPAC नाम है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अब ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, कीटोन से रिलेटेड, ठीक है, कीटोन से रिलेटेड IUPAC नाम लिखना
शुरू करेंगे। तो आप जैसा कि जान रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कीटोन के आईयूपीएसी नाम में हम लोग करते हैं, वैसे ही चलिए अब हम लोग टॉपिक देते हैं कीटोन के आईयूपीएसी नाम। जैसे कीटोन का तो बारे में पहचान गए ना कि कीटोन में कार्बोनिल मूलक के दोनों, कार्बोनिल मूलक वाला जो कार्बन रहता है उसका दोनों संयोजकता कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो कीटोन के आईयूपीएसी नाम, कीटोन के आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो कीटोन के आईयूपीएसी नाम में हम लोग चलिए लिखते हैं रूल। तो सबसे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे कीटोन के आईयूपीएसी नाम में फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे सबसे पहले पीसी चुनना होगा, सबसे पहले पीसी चुनना होगा। नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो जिधर से ऑक्सीजन परमाणु, सेकेंड एरो में देखकर जिधर से ऑक्सीजन परमाणु नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे। थर्ड एरो यदि ऑक्सीजन फेल हो जाए तो, यदि ऑक्सीजन फेल हो जाए तो सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर नंबरिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे यदि सब्स्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो, यदि सब्स्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो, यदि सब्स्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो अल्फाबेट के आधार पर अल्फाबेट के आधार पर नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इसमें सफिक्स के रूप में ऑन जोड़ा जाता है, देख लीजिए ऑन, इसमें सफिक्स के रूप में ऑन जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एल्डिहाइड में सिर्फ क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं, उसी तरीके से कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ऑन, ठीक है। तो अभी हम लोग कीटोन के आईयूपीएसी नाम लिखने का रूल्स देखे हैं, अब अगले दिन हम लोग फिर इसका एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपके लिए फिर ज़्यादा हो जाएगा ओवर, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट तुरंत एल्डिहाइड का सीखे हैं और फिर अगर जस्ट सीखेंगे तो फिर ज़्यादा जहन में नहीं अटेगा, इसलिए आप हम पहले एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम को लिखिएगा, फिर अगले दिन हम लोग कीटोन के आईयूपीएसी के बारे में सीखेंगे कि कीटोन से संबंधित किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का कैसे हम लोग नाम लिखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।